आम आदमी, आम आदमी। बहुत विलंब से आपके बीच में पहुंच पाया, इसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। लेकिन आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आपकी मोहब्बत, कितनी रात तक आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि 13 तारीख को नतीजा आएगा, लेकिन 6 तारीख को आज रात का निकाल है। फिर पूछते सपा वालों को दे रहे हैं, नहीं नहीं, अरे तो फिर किसको दे रहे हैं? अब कितने हक केजरीवाल का झाड़ी चलेगा? तो बोलते केजरीवाल का झाड़ी कौन खड़ा है? बोले अरे पांडे जी हमारा खड़ा है। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं झाड़ू झाड़ काम की चीज है, घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, जिले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, प्रदेश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और दूसरा इंडियन योगी जी का है, हमने कोरोना की महामारी में देखा ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग तरस रहे थे, संसार पे लाश बिछी थी। योगी जी, सुनील पांडे जी के समर्थन में जिस तरह से मिर्जापुर की जनता भारी जनसमूह में एकत्रित थी, ये इस बात का संदेश है कि परिणाम तो 13 तारीख को आएगा, लेकिन मिर्जापुर के लोगों ने आज ही परिणाम बता दिया है कि सुनील पांडे यहाँ से जीतने जा रहे हैं। यहाँ झाड़ू चलेगी, हर वर्ग का वोट इनको मिल रहा है, यहाँ नारा लगा एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, जाति धर्म के भेद को तोड़कर एक ऐसे योग्य पढ़े लिखे आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील पांडे जी को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और इनको लोग वोट देंगे। हमने कुछ गारंटी दी है, हाउस टैक्स ऑफ, वाटर टैक्स माफ़, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण और शहरों की सफाई, ये हमारी प्राथमिकता है और ये गारंटी है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। सर, यूपी की क्या स्थिति?